हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। अब फ्रेंड्स, बात ये हो रही है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बताना जा रहा हूँ। काफ़ी लोग नए ड्रोन्स ले चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि उन मतलब अब मैं बात कर रहा हूँ जो कि 249 ग्राम से ऊपर वाले हैं, मतलब माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन्स, मैविक एयर, मैविक टू एयर टू, मैविक थ्री प्रो, मैविक प्रो। तो इन सब कैटेगरीज के लोगों ने जिन्होंने अभी अभी लिया है, अब वो कह रहे हैं कि हमने रजिस्टर कराना ड्रोन, हमें UAN नंबर चाहिए, तो वो हो नहीं पा रहा उनसे। तो उसका क्या सीन है, कैसे होगा, ये इस पे ये सारा वीडियो है। तो जिस बंदे ने ये जानना है कि क्या किया जाए, व्हाट इज़ द सीन नाउ, वो रजिस्टर कैसे करेंगे, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो इस चैनल पर लेके आते हैं हम ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, रूल्स वगैरह, एवरीथिंग एंड टेक। टेक इसलिए है कि जो भी मैं टेक्नोलॉजी वाली चीज़ मेरे को शौक है लेने का, मैं यूज़ करता रहता हूँ, वो भी मैं यहाँ शेयर करता हूँ, चाहे व्यूज़ आए चाहे ना आए, बट आई विल शेयर। और जैसे मेरा कुछ टीवी एक बार मेरा ख़राब हो गया था, मैंने वो मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ है कि कैसे उसमें लोगों को पागल बनाया जाता है और उसमें सिर्फ LED डलती है। तो इस तरह की वीडियो जो मेरे को पता लगता है नई चीज़ टेक्निकल, वो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। इनमें से किसी का भी आपका इंटरेस्ट है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अगर अभी आपने हाल ही में माइक्रो कैटेगरी का कोई DJI का ड्रोन ले लिया है और अब आप चाहते हैं कि लीगली उसको उड़ाना है और आपको UAN नंबर, जैसे आपको मालूम है पिछले वीडियोस में कि UAN नंबर 250 ग्राम से अगर ऊपर आपका ड्रोन है तो आपको मैंडेटरी है, क्योंकि उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन होती है। UAN नंबर इसको नहीं पता, जैसे आपकी नंबर प्लेट लगती है व्हीकल्स के ऊपर, वैसे UAN नंबर एक फॉर्मेलिटी, एक रूल है इंडिया में, अगर ड्रोन 250 ग्राम से ऊपर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। अब दिक्कत यहाँ पर आ रही है फ्रेंड्स कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ हो गई है कि जो अपना प्लेटफॉर्म है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, वहाँ पर UAN नंबर की एप्लीकेशन तो है, लेकिन जब वो भरते हैं तो वो DAN नंबर एंड OAN नंबर वो मांगते हैं, वो नंबर किसी के पास जो नए ड्रोन्स अभी आए हैं उनके पास नहीं है, तो उसके बिना आप भर नहीं सकते। तो वो पूछते हैं कि हम रजिस्टर करें तो करें कैसे, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ड्रोन लिस्टिंग है, ड्रोन लिस्टिंग एक अलग चीज़ है, उसमें वो लिस्ट बनती है कितने ड्रोन एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। ये इन्होंने आज से 2-3 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट जो DGCA वाले थे उन्होंने बनवाई थी, तो जिन जिन्होंने तब अप्लाई कर दिया उनको वो DAN नंबर वगैरह मिल गया। अब उस नंबर के बेसिस पे यू कैन अप्लाई फॉर UAN नंबर। अगर वो नंबर आपके पास नहीं है तो आपका वो फॉर्म ही कंप्लीट नहीं होगा। अब लोगों को यही प्रॉब्लम है कि हम कब करें, हमें तो रजिस्टर करवाना है, हम फीस देने को तैयार हैं, पर हमारे पास DAN नंबर ही नहीं है और DAN नंबर के लिए अभी लिस्टिंग चालू नहीं हुई। तो उसका सलूशन ये है फ्रेंड्स कि ये जो है, जहाँ तक रिसर्च मैंने करी है उसमें ये पता लगा है कि जो ड्रोन लिस्टिंग वाला फंडा है, जो ड्रोन लिस्टिंग है वो फेसेस में की जाएगी। एक फेज़ की ड्रोन लिस्टिंग आज से 1-2 साल पहले हो चुकी है, दूसरे फेज़ की जल्द ही शुरू होगी। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल से, मैं एक वीडियो बना दूंगा जब लिस्टिंग चालू होगी, तब आपने लिस्टिंग करानी है सबसे पहले अपने ड्रोन्स की। लिस्टिंग कराने के बाद आपका DAN नंबर मिल जाएगा, फिर आप अप्लाई करें अपने रजिस्ट्रेशन के लिए UAN नंबर के लिए, और फिर आपको वो आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, UAN नंबर मिल जाएगा। तब तक आप क्या करें, आप कहेंगे तब तक आप वेट करें। अब ऐसा ही सिनेरियो है इंडियन गवर्नमेंट का, इस तरह चल रहा है, बड़े लूप होल्स हैं, क्या कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं। और जहाँ भी जाएँ, कहीं अगर आप पब्लिक प्लेस पे उड़ा रहे हैं ड्रोन, तो सबसे पहले तो परमिशन ले लें, और बेस्ट ये रहेगा कि आइसोलेटेड प्लेसेस पे अपने ड्रोन का उड़ाएं और मज़ा लें, ठीक है। तो होप आपका मैंने क्लियर कर दिया आपको कि क्या करना है आपको, ठीक है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, इसमें मैं Q&A भी करूँगा, जितने भी आपके क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस, और भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल शेयर मेक Q&A। हो गया काफ़ी टाइम, जो हम महीने में 1-2 तो कर ही लेते हैं, तो वो ड्रोन्स के ऊपर, और बाकी कोई और टैग का भी आपका है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, तो हम आंसर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, थैंक यू वेरी मच।